मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, चलिए आज के बारे में आपसे बात करती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो आज कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, तो आज एक आप लोग के लिए क्लोथिंग टिप या क्लोथिंग हैक आप इसको कह सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मेरे व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही यूज़फुल है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मेरे वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो आइए, चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लोथिंग हैक है, जो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि पुरानी साड़ी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। हम लोग एक्साइटमेंट में कई बार, आज की यंग जनरेशन साड़ी बहुत ही कम पहनती है, बहुत रेयरली, अगर ओकेजनली ही हम लोग पहनते हैं। बट हाँ, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें पसंद आती है तो हम खरीद बहुत ईजिली लेते हैं उसे। तो फिर क्या होता है उसके साथ, एक से दो बार हमने पहनी एंड देन वो ऐसी रखी कि रखी रह जाती है। इतनी साड़ियाँ होती है कि प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी पुरानी साड़ियों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नई नई ड्रेस बना सकते हैं अपने लिए या फिर अपनी बेटी के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी को कैसे यूज़ किया था। वैसे मैंने कई सारी साड़ियों से ऐसा किया है, बट मैं आपको एक ही दिखा पाऊंगी क्योंकि फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक ही अवेलेबल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैंने कैसे अपनी पुरानी साड़ी को यूज़ करते हुए एक अनारकली सूट बनवाया है, किस तरीके का है, किस डिज़ाइन का है। आइए चलिए देखते हैं मेरे वीडियो में। तो ये देखिए, ये है वो अनारकली कुर्ता जो मैंने बनवाया है अपनी साड़ी को यूज़ करते हुए। ये मेरी शिफॉन की साड़ी थी जो मैंने एक से दो बार ही पहनी थी, क्योंकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ तो वो पसंद थी, तो इसलिए मैंने इसको रीयूज़ करके इसका एक अनारकली कुर्ता बनवाया है। आप देखिए, ये जो आप पैचेस देख रहे हो, ये पैचेस पूरी साड़ी में अलग अलग जगह फिक्स किए हुए थे, अलग अलग जगह स्टिच किया हुआ था, तो उसको मैंने इस पे अपर पार्ट में ऐसे पैच करवाया सो दैट कि इसका जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा हैवी लुक दे और ये एक पार्टी वियर ड्रेस की तरह बन गया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये मैंने इसका बोट नेक बनवाया है, बहुत डीप नेक नहीं है, शॉर्ट स्लीव से। एंड ये जो पट्टी आप देख रहे हो, ये थी साड़ी की बॉर्डर जो मैंने स्लीव पे यूज़ की है, एंड देन इसके घेर पे यूज़ किया। मैंने डबल पट्टी लगवाई है इस पर, डबल लाइन करवाया था इसके बॉर्डर पे। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये फ्लेयर में बना हुआ है, अनारकली है। आप देख सकते हो माइनरली, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें कलियाँ बनी हुई है, बहुत सारी कलियाँ डाल के मैंने स्टिच करवाया सो दैट कि एक अच्छा सा फ्लेयर मुझे मिले और रेडीमेड लुक आए इसका। तो कुछ इस तरीके से है। बैक में मैंने इसके जिप लगवाया है। तो इसकी डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये कुर्ता मेरा अच्छा लगा हो। तो आप फिर से एक बार नज़दीक से देख लीजिए, ये पैचेस हैं जो साड़ी में लगे हुए थे, जो मैंने इसको पूरे अपर पार्ट में यूज़ किया है, एंड ये नीचे पूरा घेर है। तो आइए चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये पहनने पर कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया अपनी पुरानी साड़ी को। आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को शेयर करते रहें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी भी पुरानी साड़ियों को या फिर जो साड़ी आप यूज़ नहीं कर रहे उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा साड़ी को दोबारा से यूज़ करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।